क्लास सिक्स है, प्रश्न नंबर 43 है ये। दिए हुए कोण एक्स और वाई के योग के समान एक कोण बनाओ। तो दो कोण दिए हुए हैं, एक का नाम एक्स रखा हुआ है, तो अपनी मर्जी से कोई एक कोण आपने एक्स बना लेना है। ऐसे रखा, अपनी मर्जी से दो कोण बना लेने हैं, उनका नाम रखना है, एक का एक्स और एक का वाई। अब इसके योग, योग होता है जमा, इसके इन दोनों के योग के बराबर आपने कोण बनाना है। तो एक लाइन लगा ली, उसका नाम रख देना आपने ए बी। ऐसे ए बी लाइन रख दिया नाम। अब इन दोनों के योग के बराबर कोण बनाना है, इसका नाम, एक का नाम एक्स है और एक का वाई है। तो आपने प्रकार खोल ली है, या अपनी मर्जी से प्रकार खोल ली है, थोड़ी बड़ी खोल ली, खोल ली यहाँ पे ऐसे थोड़ी बड़ी प्रकार खोल लें ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे डॉट लगाने हैं, उतना ही यहाँ प्रकार रख करके चाप लगा लेनी है दोनों। ऐसे कोण बना लिए ये। अब ये जितनी प्रकार यहाँ खुली है उतनी यहाँ खुली रखनी है, और यहाँ से भी आपने छोटे छोटे डॉट लगाने हैं। पेंसिल टूट गई आगे से, ऐसे छोटे छोटे डॉट इसके ऊपर लगा दें। अब जितना जितना कोण आपका ये है, जितना एक्स है, एक्स के बराबर प्रकार खोल लेनी है आपने, चेक करें ढंग से, जितना एक्स है उतना एक्स के बराबर प्रकार खोल लेनी है आपने। और इस पॉइंट, इसका नाम हमने पी दे दिया। अब पी पॉइंट के ऊपर प्रकार रखनी है, और जितना आपने एक्स के ऊपर ये काटा हुआ है, ये कोण है, उतना आपने इसके ऊपर निशान लगा लेना है ऐसे डॉटेड। अब जितना आपका बाई कोण है, ये अलग अलग हैं तो ये अलग अलग ही प्रकार खुलेगी। यहाँ पे चेक कर लो, ऐसे बाई के बराबर प्रकार खुल नहीं है, ऐसे पूरी देख लें इसको ढंग से, ऐसे बाई के बराबर प्रकार खोल लें पूरी। अब आपने यहाँ ये पॉइंट आपका आया हुआ डी पॉइंट, इसको हम नाम देंगे, यहाँ रखा और चाप लगा दी, ये आपका डी पॉइंट आया वो, और ये पॉइंट आपका एच आ गया है। अब आपने ये डी पॉइंट को तो आपने डॉटेड मिलाना है, ये डॉटेड मिला लिया हमने इसको, क्योंकि आंसर हमारा अगली लाइन बननी है, इसको हमने डॉटेड मिला दिया। और एच लाइन को अब हमने, या एच कोण को हमने अब डायरेक्ट मिलाना है। ये दोनों कोणों के बराबर, जो हमारे एक्स वाई के बराबर कोण बनाए हुए थे हमने, एक्स और वाई, ये कोण एक्स बन गया और ये वाई बन गया, ये दोनों के योगफल के बराबर कोण जो है वो बन चुका है, इसका नाम हमने सी रख दिया। ये दोनों के योगफल के बराबर जो है आपका कोण बन चुका है। प्रश्न नंबर 43 कंप्लीट है।